गाइस, ये देखिए, ये मैं आ गई हूँ ऊपर अपने टेरेस में थोड़ी सी मॉर्निंग वॉकिंग करने। और अभी प्लान बना है कि कुछ ब्रेकफास्ट में बनाते हैं, पूड़ियाँ, चने एंड अपना हलवा बना लेते हैं। तो ये देखिए, मैं सारे ड्राइज जो मसाला है, नमक, हल्दी, गरम मसाला, धनिया पाउडर, आमचूर पाउडर, सबको एक बाउल में लेके उसका थिक सा पेस्ट बना लूँगी। थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी और इसका थिक सा पेस्ट बना लूँगी। और इसका थिक पेस्ट बनाने का जो रीज़न है वो मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए बन गया है, हल्का सा पानी डालना, बहुत रनिंग नहीं करना है और ऐसा पेस्ट बनाना है हम लोग को, ठीक है। और ये देखिए, यहाँ पे रख दिया है मैंने पैन। और एक्चुअली मैंने रात को ब्लैक चने की सब्जी बनाई थी, जो तरी वाले चने होते हैं ना, वो जो बनाए थे। तो मेरे घर में तरी सब लोग खा जाते हैं, चट कर जाते हैं और चने बेचारे रह जाते हैं, तो इसीलिए उन चनों को मैं यूटिलाइज़ करने के लिए ये मेरे दिमाग में आइडिया आया कि मैं सूखे चने बनाती हूँ, साथ में पूड़ियाँ बना लेते हैं, है ना। तो ये देखिए, मैंने डाल दिया है जीरा एंड वो जो पेस्ट बनाया था। अगर हम डायरेक्टली तेल में वो सूखे मसाले डालेंगे तो वो चिपक जाते हैं, नीचे जल जाते हैं, इसीलिए वो हल्का सा पेस्ट बना के पानी डाल के तो ऐसे डालते हैं। और ये मैंने डाल दिए अपने चने, ब्लैक चने। और इसमें डाल दी है मैंने कश्मीरी लाल मिर्च, क्योंकि मैंने टेस्ट करके देखा तो बिल्कुल भी मिर्ची नहीं थी। हरी मिर्ची मैंने डाली थी, बट वो आजकल आती है ना मोटी मोटी मिर्ची, तो वो ज़रा भी मतलब तीखी नहीं होती हैं, तो थोड़ा सा तीखापन अच्छा लगता है। और ये मेरे देखिए चने एकदम रेडी हो गए हैं। और साथ में ही मैं हलवा बनाने की सोच रही हूँ, एक्चुअली सूजी का हलवा बना रही हूँ। और जो मेरे बच्चे हैं, दोनों बच्चे, वो सूजी का हलवा बिल्कुल नहीं खाते हैं, ज़रा मुंह भी नहीं लगाते कि टेस्टी कर लें। उनको पसंद है कड़ा, मींस जो हलवे का हलवा होता है, सॉरी, जो आटे का हलवा होता है, जो मैं कड़ा प्रसाद बनाती हूँ, गुरुद्वारे में भी मिलता है आटे का हलवा, वो खाते हैं। वो सूजी का हलवा बिल्कुल पसंद नहीं करते, इसलिए मैं अपने और हस्बैंड के लिए बना रही थी ज़रा सा, कि जितना हम दोनों खाएँगे। और ये मैंने डाल दिए हैं, इसमें नट्स डाल दिए हैं और अपना ये डाल दी है किशमिश विशमिश सब डाल दी है, चीनी डाल दी है। एंड ये देखिए, हलवा बस ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। और अभी बना लूँगी मैं पूड़ियाँ। और ये मैंने छोटी छोटी लोइयाँ ऑलरेडी रेडी कर ली हैं और ये बेल भी ली हैं, क्योंकि ऐसा करने से ना फिर टाइम थोड़ा कम लगता है, क्योंकि फिर जल्दी जल्दी तेल में डालो, जल्दी जल्दी निकालते जाओ। और ये देखिए, हमारी हाउसमेट ने कढ़ाई का क्या हाल कर दिया है, ये मतलब अभी एक साल पुरानी कढ़ाई है। और ये देखिए गाइस, ये हमारी थाली रेडी है, हलवा, पूड़ियाँ, चने एंड साथ में प्याज और नींबू। और ये मैं थोड़ा सा इवनिंग में थोड़ा सामान लेने जा रही थी, घर के पास ही हमारी सोसाइटी के नीचे ही शॉप्स हैं, जो भी आपको ज़रूरत का सामान है वो सब मिल जाएगा यहाँ पे। इवन पार्लर भी नीचे हैं, शोरूम्स हैं, कपड़ों के शोरूम्स भी हैं। और ये देखिए कैसे भैया ने रस्सी लगा रखी है कि कोई अंदर ना घुस जाए। और ये मैं थोड़ा सा दूध, दही और कुछ कुछ छोटी मोटी चीज़ें लेने आई थी। और ये हम लोग आ गए हैं ऊपर टेरेस में इवनिंग 6 o'clock, और हस्बैंड भी आ गए हैं अभी तक। और ये देखिए टेरेस में कितने अच्छे प्लांट्स लगे हुए हैं, बनाना का प्लांट लगा हुआ है ये। और मैं अपना कर रही हूँ थोड़ा सा, ये लोग बच्चे लोग साइकिलिंग कर रहे हैं, तो मैं अपनी योगा मैट ले आती हूँ कि आधा घंटा मैं कुछ कर लेती हूँ। लाइक अभी प्राणायाम करूँगी पहले, अनुलोम विलोम, कपाल भारती, भ्रामरी, उद्गीत, जो भी होते हैं 5 प्राणायाम, ये 15-20 मिनट में ये करती हूँ ईच 5-5 मिनट्स के लिए। और उसके बाद थोड़ा छोटा मोटा योगा भी कर लेती हूँ, और फिर अगर टाइम बचे तो थोड़ा वॉकिंग कर लेते हैं, क्योंकि मॉर्निंग में इतना टाइम नहीं मिलता है। ये देखिए, अभी डिनर की तैयारी हो रही है। ये मैंने ऑयल डाला सबसे पहले, उसमें डाला जीरा और प्याज, प्याज को कर लेंगे गोल्डन ब्राउन। एक्चुअली आलू मटर बनाने का प्लान है, आलू मैंने पहले से बॉईल करके रखे हुए थे, और मटर भी मेरे पास जो फ्रोज़न वाले होते हैं वो मेरे पास पड़े ही रहते हैं फ्रिज में, हमेशा रखती हूँ मैं। एंड ये देखिए, इसमें डाल दिया मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट, पेस्ट को भी मैंने अभी फ्रेश ही उसको कूटा है। कभी कभी टाइम होता है तो पहले रख लेती हूँ पीस के, अदरवाइज़ तो फ्रेश ही मैं ज़्यादा यूज़ करती हूँ। और यहाँ डाल दी है मैंने टमाटर की प्यूरी, और ये 2 बड़ी हरी मिर्ची मैंने साबुत ही डाली हैं, तोड़ के नहीं डाली, क्योंकि इनकी शक्ल देख के लग रहा है ये बहुत कड़वी होंगी। और बच्चे हैं ना, फिर नहीं खाते हैं। और यहाँ पे डाल दिए मैंने सब ड्राई स्पाइसेस डाल दिए, नमक, मिर्ची, हल्दी, धनिया पाउडर और गरम मसाला, आमचूर पाउडर,
ये सब तो हर सब्जी में ही चलते हैं, और जो क्वांटिटी है वो सबकी अपनी स्वाद अनुसार डाल लीजिए। और जो मेन है जिससे अच्छा सा फ्लेवर आता है वो है कस्तूरी मेथी। गाइस, कस्तूरी मेथी तो मेरी हर सब्जी में जाती ही है, स्पेशली जिसमें आलू रहते हैं। और ये देखिए सारा हो गया है मेरा मसाला, तेल भी छोड़ दिया है। इसमें डाल दिए हैं मैंने मटर, ये एक्चुअली फ्रोज़न मटर है तो जल्दी हो जाते हैं। और ये देखिए मैंने आलू भी ऐड कर दिए हैं, बॉयल्ड आलू। और यहाँ पे मैंने पानी जो है वो गर्म करके डालने वाली हूँ, बॉयल करके। और बॉयल करके डालेंगे तो, मतलब बॉयल नहीं, गर्म करके डालेंगे तो स्वाद थोड़ा सा अच्छा हो जाता है सब्जी का ना। और ये देखिए मैंने डाल दिया पानी, और इसको अभी मैं 10 मिनट के लिए रख दूँगी ढक के। एंड नाउ देखिए मेरी सब्जी इज़ रेडी। बहुत अच्छी बनी थी सब्जी, मुझे पर्सनली आलू मटर बहुत अच्छे लगते हैं। और ये देखिए गाइस सब्जी रेडी है, डिनर हमारा रेडी है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिए। बाय बाय।